नमस्कार, मैं अनुराग, आप लोग देख रहे हैं पॉम टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डॉग के हेयर फॉल से रिलेटेड, और आज के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको हेयर फॉल से रिलेटेड बहुत ही मस्त ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया इलाज बताऊंगा, आप लोग मतलब मज़े में हो। स्वीटी कम। गुड गर्ल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, वो जानने के बाद आप लोग बोलोगे कि हाँ, मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था। ए स्वीटी, क्या हो गया तेरे को, आजा। खैर, हम लोग टॉपिक पे आते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपके डॉग में हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। इसी तरीके के रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिलेगा, उसी से सब्सक्राइब होता है। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ डॉग के हेयर फॉल को आप लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारे लोग गलत फहमी में रहते हो, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बतलाता हूँ। दोस्तों, हमारे पास ये टॉमी है, ये स्वीटी है, और ये प्यारी सी हमारी न्यू पिट है, बहुत ही प्यारी है, हमारे गोद में ही हमेशा बैठना चाहती है। तो आप लोग सोच सकते हो कि हमारे पास इतने बड़े बड़े बाल वाले ब्रीड के डॉग हैं, तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता होगा या फिर नहीं होता होगा। और ये हमारे गोद में भी अभी बैठा हुआ है, तो आप लोग ये सोचते हो कि इसके बॉडी में बाल लगता है या फिर नहीं लगता है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि डॉग का जो हेयर है ना, हेयर, ये हमेशा हेयर फॉल होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, और कभी ना के बराबर होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग बड़ी ही अच्छे से सुनिए, मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट करते हैं कि उनके घर में पूरा बाल ही बाल हो जाता है। ए सूटी, क्या है, सिट डाउन। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे बतलाते हैं कि उनके घर में हर जगह बाल ही बाल हो जाता है, बेड के नीचे, बेड के ऊपर, जब भी गोद में लेते हैं या फिर कोई उनको गोद में लेता है तो पूरा बाल ही बाल हो जाता है। मैं क्या करूं, इसे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपके डॉग में बहुत ही नॉर्मल सा हेयर फॉल हो रहा है, जैसे कि आप उसको गोद में ले रहे हो और फिर आपके बॉडी में उसका हेयर लग रहा है, या फिर आपका डॉग बेड पर बैठा तो आपके बेड पे वो हेयर लग गया, या फिर इसी तरीके से हेयर फॉल आपके डॉग में हो रहा है, तो आपको कोई भी वरी करने की बात नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। दूसरा टाइप का हेयर फॉल होता है कि आपके डॉग से इतना ज़्यादा हेयर फॉल होगा, कि आपका डॉग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखेगा, लगेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया, बहुत ज़्यादा दुबला हो गया है, और आपके घर में 10 से 15 दिन के अंदर इतना इतना बाल निकलेगा, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। अब अगला जो इशू आता है वो ये आता है कि आपके डॉग में जो हेयर गायब होगा, वो धब्बा धब्बा टाइप का हेयर गायब हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, या फिर जब भी गायब होगा तो फिर उसमें लगेगा कि घाव हो गया है, या फिर वो लगेगा कि सर गया है, गल गया है, इस टाइप से अलग अलग टाइप का हेयर फॉल होगा, तो उस टाइप का हेयर फॉल होगा वो तीसरे वाले में। अब चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। दोस्तों, सबसे लास्ट वाले सॉल्यूशन में मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपके डॉग में कैसा भी हेयर फॉल हो रहा है, चाहे ऐसा लग रहा है कि उसके बॉडी से घाव बन गया है, या फिर ये पैचेस टाइप में हेयर फॉल हो गया है, या फिर इस टाइप में हेयर फॉल हो गया है, किसी भी टाइप में हेयर फॉल आपके डॉग में हुआ है, तो इसको आप लोग डिजीज़ के कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, डिजीज़ वाले कैटेगरी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग कोई अपना बुद्धि मत लगाइए, इसमें डॉक्टर आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया गया है अपने टीम में, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मिश्रा, उन्होंने किया गया है, और आप लोग सारे का रिजल्ट देख सके हो। दोस्तों, अपने टीम में डॉक्टर एसके मिश्रा है, आप उनका सजेशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और छोटा सा नॉमिनल सा फी है, वो दे करके आप लोग हेल्प ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि कई सारे लोगों के डॉग में ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरे नंबर पर प्रॉब्लम था, कि आपके डॉग में
हेयर फॉल इस तरीके से होता है कि आपका डॉग लगता है कि एकदम पतला हो गया है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। लगभग 8 से 10 दिन में आपके घर में इतना इतना बाल निकलने लगता है। तो इस कंडीशन के लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हमारे इंडिया में मोस्टली दो टाइप का सीज़न आप लोग कह सकते हो जो डॉग को इफ़ेक्ट करता है हेयर के लिए। एक तो जो गर्मी से ठंडी में जाते हैं, ठीक है, और दूसरा जो ठंडी से गर्मी में आते हैं, इसको चेंजिंग वेदर कहते हैं। और डॉग के लिए कहते हैं शेडिंग सीजन, मतलब इसके लिए शेडिंग सीजन होता है। इसमें क्या होता है कि आप लोग अच्छे से समझिए, आगे एक और पॉइंट बचा हुआ है, मैं आपको उसमें भी बताऊंगा। दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया है शेडिंग सीजन, इसमें क्या होता है, सपोज डैट कि अभी ठंडी से गर्मी की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि डॉग को एडॉप्ट करने के लिए, ऐसा भगवान नहीं बनाया है, डॉग को एडॉप्ट करने के लिए इसको बहुत ही मोटा मोटा हेयर हो जाता है, बहुत ही थिक हेयर हो जाता है, जिसके वजह से ये ठंडी से प्रोटेक्ट रहता है। नो बैड गर्ल, बैड गर्ल, लकड़ी मत चबाओ, नो 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 नो, गुड गर्ल, गुड गर्ल। तो दोस्तों ठंडी के टाइम में क्या होता है कि इसका हेयर बहुत ही मोटा मोटा हो जाता है, हब्बी हो जाता है, ताकि ये ठंडी से बच पाए, इसका बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करे, बाहर निकलने ना दे और ये ठंडी से बच जाए। लेकिन तभी जब गर्मी आता है, मतलब अभी ये चेंजिंग वेदर है, तो गर्मी जब आएगा तो उस समय क्या होगा, इसका जो थिक हेयर है वो सब रिमूव होने लग जाएगा, ताकि इसमें नॉर्मल हेयर रहे और ये गर्मी में भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फील ना करे। इसके वजह से इसके बॉडी से बहुत ज़्यादा हेयर गिरेंगे, इसको शेडिंग सीजन कहते हैं। और सेम थिंग जब गर्मी से विंटर की ओर जाते हैं, तो पहला वाला जो हेयर था वो शेड होने लगता है, और फिर से जो हेयर आता है वो थोड़ा सा हैवी आता है, थोड़ा सा थिक आता है। तो किसी किसी डॉग में साल में एक बार ये शेडिंग सीजन आता है, और मोस्टली डॉग में साल में दो बार शेडिंग सीजन आता है। तो दोस्तों मैंने आपको दो सॉल्यूशन बता दिया, अब मैं आपको तीसरा और सबसे पहला जो प्रॉब्लम बताया था उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और मोस्ट ऑफ द पीपल के डॉग में, अराउंड 90% लोगों के डॉग में जो प्रॉब्लम मुझे बताते हैं, उनके डॉग में यही प्रॉब्लम होता है। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं, कंप्लेंट करते हैं, उनके डॉग को जब भी गोद में उठाते हैं बाल लग जाता है, बेड पे जाता है तो बाल लग जाता है, रूम में झाड़ू लगाते हैं तो हल्का हल्का सा बाल चला जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके लिए, स्वीटी तुम बैड गर्ल हो जाएगी, बैड गर्ल, इधर आ जाओ, इधर, हाँ, सिट डाउन, गुड गर्ल। तो दोस्तों मैं आपको बता, ओए टॉमी, मतलब फेस उधर करो, मुझे कभी देखे हो कि मैं वीडियो बनाते समय पीछे देख रहा हूँ, नहीं ना, तो तुम भी उधर देखो, आ जाओ, कम ऑन, इधर आ जाओ, इधर कम ऑन मेरा राजा, सिट सिट सिट, गुड बॉय, ए स्वीटी, सिट सिट डाउन, सिट 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 सिट, गुड गर्ल। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस वाले प्रॉब्लम के लिए, तो दोस्तों इस वाले प्रॉब्लम के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इतना हेयर फॉल आपके डॉग में लाइफ टाइम तक होगा और इसको आप लोग कभी भी रोक नहीं पाओगे। लेकिन इसका भी छोटा सा सॉल्यूशन है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। दोस्तों डॉग में जो इस टाइप का हल्का हल्का सा हेयर फॉल होता है वो नॉर्मल है, और ये इसलिए होता है ताकि डॉग का जो कुछ हेयर है वो डेड हो जाता है, तो वो रिमूव हो जाता है और वहाँ पे दूसरे बाल आते हैं, और ये सालों भर होता है, लाइफ टाइम तक होगा। तो इससे यदि आपको छुटकारा पाना है तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो आपको अपने डॉग को रोज़ कोम्ब करना है, रोज़ नहीं कर पाओगे तो कम से कम तीन दिन पे नहीं कर पाओगे तो कम से कम सप्ताह में एक बार आप लोग अपने डॉग का कोम्ब जरूर कर दो। इससे क्या होगा कि जो उसका डेड हेयर रहेगा वो सब रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद हल्का हल्का सा आपके बॉडी पे लगेगा, बहुत ही कम लगेगा, अगर वो सोफ़ा पे बैठ रहा है तो भी बहुत ही कम लगेगा। इसलिए आप लोग अपने डॉग को 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे उसको कॉम्ब करते रहिए। और इसके साथ साथ आप लोग फैटी एसिड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग मल्टी विटामिन यूज़ कर सकते हो। दोस्तों कुछ मल्टी विटामिन है, अच्छे प्रोडक्ट है, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग अमेजन से परचेज कीजिए और उसको साथ आप लोग देते रहिए। दोस्तों वो मल्टी विटामिन डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप लोग अपने पप्पी को या फिर अपने डॉग को स्टार्टर यूज़ कर रहे हो, या फिर केवल और केवल पप्पी फूड पे रखे हुए हो, तो फिर ये मल्टी विटामिन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घर का खाना दे रहे हो तो वो मल्टी विटामिन देना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको परचेज कर सकते हो। या फिर एक और प्रोडक्ट है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है,
जिसको न्यूट्रीकोट एडवांस भी बोलते हैं, आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो हेयर फॉल से रिलेटेड। आपको इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आपके डॉग में कोई मेडिकल इशू है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसमें आपको डॉक्टर मिश्रा हेल्प करेंगे, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है। दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोस में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके में रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिल जाएगा और बाद में बेल का आइकन को भी दबा देना। दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। ओ मेरे राजा, ओ होय 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 होय।